स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं मायापुरी रीजनल, जहां पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पंजाबी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा यानी कि पूरी इंडियन सिनेमा की सारी अपडेट्स पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर इतने सालों बाद गुलमोहर से फिल्मी दुनिया में वापसी कर रही हैं। गुलमोहर में एक्ट्रेस मनोज बाजपेयी की मां के किरदार में एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है, जिसमें अपने ही घर में आखिरी रात बिता रहे परिवार की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म का ट्रेलर दिल को छू लेने वाला है और साथ ही पेचीदा भी है। गुलमोहर बतरा परिवार की कहानी है, जो अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। एक और माँ ने घर दिया है तो पोता परिवार के साथ नहीं रहना चाहता है। मां का कहना है कि सभी अपनी आखिरी होली साथ में मनाकर घर से निकले। इस सबके बीच बाप बेटे के बीच की खटास भी इस ट्रेलर में देखने को मिली है। सुपरस्टार अक्षय कुमार को लेकर मशहूर है कि वो एक वक्त में कई फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन वो बड़े मियां छोटे मियां को लेकर इस वक्त खबरों का हिस्सा है। इस फिल्म के रिलीज से पहले ही इसके एक्शन सीक्वेंस को लेकर एक खबर सामने आ रही है। पता चला है कि अक्षय कुमार की इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस में सलमान खान का कनेक्शन देखने को मिलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस फिल्म में सलमान खान की एंट्री होने वाली है तो ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल अक्षय कुमार इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं और इसके लिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ है जो सिर्फ सलमान खान अपनी हर फिल्म में करते हैं। साउथ फिल्म एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु और मलयालम स्टार देव मोहन की मच अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म शकुंतलम रिलीज के लिए तैयार खड़ी है। इस फिल्म को मेकर्स जल्द ही सिनेमाघर पहुंचाने की तैयारी में हैं। हालांकि किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म की रिलीज डेट में कई दफा बदलाव आ चुके हैं। अब मेकर्स ने इस फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। सामने आई नई तारीख के मुताबिक अब फिल्म को सिनेमाघर पहुंचने में 2 महीने का वक्त बाकी है। अब ये फिल्म 14 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होगी। RRR फेम साउथ सुपरस्टार रामचरण की कुछ तस्वीरें फैंस को इमोशनल कर रही हैं। इन तस्वीरों में रामचरण अपने 9 साल के फैन से मुलाकात करते दिख रहे हैं। ये बच्चा इस वक्त कैंसर से जंग लड़ रहा है, जो रामचरण का बहुत बड़ा फैन है। ये छोटा सा बच्चा अपने चहेते स्टार रामचरण से मिलना चाहता था और एक्टर उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल तक पहुंच गए। अब इस नन्हे फैन के साथ सुपरस्टार रामचरण की ये तस्वीरें लोगों को काफी इमोशनल कर रही हैं। रामचरण ने केवल अपने इस फैन से मुलाकात ही नहीं की बल्कि उनके साथ क्वालिटी टाइम भी बिताया। फिल्म और टीवी की दुनिया की पॉपुलर एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने रिसेंटली शादी की थी। शादी के बाद से कपल चर्चा में है। शादी के दौरान हंसिका पर इस बात का आरोप लगा था कि सोहेल कथुरिया संग शादी करके उन्होंने अपनी क्लोज फ्रेंड की शादी तोड़ दी है। अब इस पर कपल की तरफ से रिएक्शन आ गया है। दरअसल हंसिका की शादी को OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया है। इसी दौरान हंसिका ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर रिएक्ट किया है और सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साउथ इंडस्ट्री में प्रभास की फिल्म बाहुबली एक वरदान साबित हुई थी। फिल्म को फैंस की तरफ से काफी बढ़िया रिस्पांस मिला और दुनिया भर में इसने जबरदस्त कलेक्शन किया, लेकिन उनकी बाकी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रभास ने अपनी अपकमिंग फिल्म राजा डीलक्स को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने ये तय किया है कि वो इस फिल्म के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे, वो अब सिर्फ फिल्म के प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो मारुति की फिल्म राजा डीलक्स को लेकर वो काफी कॉन्शियस हैं और नहीं चाहते कि फिल्म किसी तरह का नुकसान झेले। इसीलिए एक्टर ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो फिल्म के लिए 1 रुपए भी नहीं लेंगे और अगर फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी तो फिर वो उसमें से प्रॉफिट लेंगे। सोशल मीडिया पर एक महिला की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो पवन सिंह के गाने पर उन्हीं के सामने रील बनाती हुई नजर आ रही है। बता दें, वीडियो में नजर आ रही ये महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि मशहूर सिंगर निशा पांडे हैं, जो पवन सिंह के साथ जिम में एक्सरसाइज करती हुई नजर आ रही हैं। वर्कआउट के बीच निशा पांडे ने पवन सिंह के गाने पर वीडियो बनाकर शेयर कर दिया, जो कि अब काफी वायरल हो रहा है। अब अगर बात इंस्टाग्राम रील्स की हो ही रही है तो आपको बता दूं कि भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह को भी रील्स बनाने का बहुत शौक है। एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी कोई ना कोई वीडियो और कोई ना कोई तस्वीर जरूर शेयर करती हैं। वहीं रिसेंटली एक्ट्रेस ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो व्हाइट हुडी में काफी चेयरफुल तरीके से कैमरे के सामने नजर आ रही हैं। अक्षरा फुल ऑन मस्ती के मोड में नजर आ रही है। आज मायापुरी रीजनल में बस इतना ही। आगे की सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।